हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा पहला। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा दूसरा। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा तीसरा। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा भारत। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दूध के। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा छठा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा दूसरा। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? तो इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी में। सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो गुजरात में। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। रुपए का सर्वप्रथम अवमूलन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 20 सितंबर 1949 को। दूसरी बार रुपए का अवमूलन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 6 जून 1966 को। तीसरी बार रुपए का अवमूलन कब हुआ? तो 1 जुलाई 1991 को। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो नोस्ट्रो अकाउंट्स। भारत में मुद्रा स्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा थोक मूल्य सूचकांक पर। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती तथा वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो इसका आंसर होगा मुद्रा संकुचन या अवस्फीति। मुद्रा स्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मुद्रा अपस्फीति। सकल घरेलू में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो इसका आंसर होगा 13.67%। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो इसका आंसर होगा 52%। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती? तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अगला क्वेश्चन, रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो इसका आंसर होगा गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू आदि। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो इसका आंसर होगा जून जुलाई में। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो मार्च से जुलाई के मध्य। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा अभ्रक के लिए। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा प्रथम। गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है? तो इसका आंसर होगा सफ़ेद संगमरमर। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला। अगला, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा गोंडवाना। भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब और कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रानीगंज में। न्यू वेली खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट के लिए। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा झारखंड में। भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अवसादी चट्टानों में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा डिगबोई, असम में।
ONGC की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1956 ईस्वी में। काईकालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में? तो इसका आंसर होगा कृष्णा गोदावरी। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में स्थित? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? तो जादूगोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार गृह कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार को। भारत में सर्वोत्तम लो अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो बैलाडीला से। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में बाब बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट। जावर और रामपुरा अगुचा खान किस खनिज से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा जस्ता और सीसा से। पलामू एवं लोहर दंगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। भारत का 55% अभ्रक कौन सा राज्य होता है? तो आंध्र प्रदेश। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा अभ्रक के लिए। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है? तो सफ़ेद संगमरमर। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा कोयला के लिए। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना से। भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कब और कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा रानीगंज में। न्यू वेली खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा लिग्नाइट के लिए। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं? तो चाय उद्योग में। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा अखबारी कागज के लिए। सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज ऑकलैंड ने। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो इस चित्तरंजन, जो वाराणसी में है। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर होगा महरोरा, बिहार में स्थित है। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो डिगबोई, जो असम में है। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? तो पेंसिलीन उद्योग से। कौन से राज्य में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है? तो पंजाब व तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बरेली में। भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? तो अहमदाबाद में। भारत में पेराई मिल व ताले का उत्पादन कहाँ होता है? तो अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, तुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए। सीसा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सबसे अधिक है? तो फिरोजाबाद में। भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम उद्योग के लिए। तार व केबिल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो रूपनारायणपुर में, जो पश्चिम बंगाल में है। भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो मुरादाबाद में। सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक है? तो बेंगलुरु और रूपनारायणपुर में। भारत के किस राज्य में 2/3 रेशम प्राप्त होता है? तो कर्नाटक से। भारत के किस नगर में चर्म उद्योग सबसे अधिक है? तो कानपुर में, जो उत्तर प्रदेश में है। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? तो 1940 में। देश का पहला निजी क्षेत्र में कारखाना स्थापित कहाँ स्थापित किया गया था? तो जमशेदपुर में, जो झारखंड में है स्थित है। भारत के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार सुरक्षित हैं? तो झारखंड में। भारत के किस उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है? तो लौह इस्पात उद्योग पर। सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर हैं? तो मुंबई, हावड़ा, वायापुर, रायपुर में। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो जूट व रुई का उद्योग। हौजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में है? तो पंजाब में। रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में।
कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उर्वरक कारखाना है? तो सिंदरी, जो झारखंड में स्थित है। भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लोस्टर, जो कलकत्ता में, कब लगाया गया? तो 1818 में। मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया? तो 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1954 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में किस शहर में लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा रिसरा। भारत में ऊन की पहली मिल 1870 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर होगा कानपुर में। भारत में कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में किस वर्ष में लगाई गई? तो इसका आंसर होगा 1812 ईस्वी में। भारत का प्रथम रेयान कारखाना किस सन में रायपुरम, जो केरल में है, में ट्रामर को रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा 1950 ईस्वी में। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो जूट उद्योग को। अगला क्वेश्चन, भारत में संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? तो 35%। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1936 में। सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 1906 ईस्वी में रानीपेट नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन, अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 1944 ईस्वी में बैलेगुला नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजनी उर्वरक की। भारत किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? तो पोटास उर्वरक के लिए। दुर्गापुर राउरकेला बोकारो भिलाई सलेम के अलावा और किस जगह लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए? तो इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम एवं विजयनगर में। किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? तो चीन, जापान और अमेरिका के बाद। भारत के पास कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? तो 757 मिलियन मीट्रिक टन और 1241 बिलियन क्यूबिक मीटर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादकों व गैस का परिवहन, रिफाइनिंग और मार्केटिंग शामिल है, कि देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी रखता है? तो इसका आंसर होगा 15% से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? तो इसका आंसर होगा चौथा। भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में से निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां हैं? तो इसका आंसर होगा दो। अगला क्वेश्चन, विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल में भारत की अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? तो इसका आंसर होगा सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक व कतर, ऑस्ट्रेलिया। रूस के सखालिन एक तेल में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 20%। खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा। रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश में कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दूसरा, कृषि के बाद। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1953 ईस्वी में। बर्नपुर में इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1918 ईस्वी में। कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर लौह एवं इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1923 ईस्वी में। किस सन में कुल्टी एवं हीरापुर के कारखानों को भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो इसका आंसर होगा 1936 में।
1937 ईस्वी में किस स्थान पर स्टीली कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा बर्नपुर में। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो इसका आंसर होगा 1953 में। 1953 ईस्वी में बर्नपुर, हीरापुर एवं कुल्टी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको। अगला क्वेश्चन, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला के। अगला क्वेश्चन, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया? तो इसका आंसर होगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना का निर्णय किया गया? तो बोकारो के। बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां लगाया गया? तो 1875 ईस्वी में कुल्टी, जो पश्चिम बंगाल में है। भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना कहां लगाया? तो इसका आंसर होगा 1937 ईस्वी में आसनलोन में। सेल का पूरा नाम क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना कब की गई? तो 1973 ईस्वी में। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? तो इसका आंसर होगा दुर्गापुर, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। रूस के सहयोग से कौन से कारखाना निर्मित है? तो इसका आंसर होगा बोकारो का, जो झारखंड में स्थित है। अगला, राउरकेला स्टीली कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी के सहयोग से। रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है? तो इसका आंसर होगा भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? तो इसका आंसर होगा टिस्को, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। अगला क्वेश्चन, टिस्को की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1907 ईस्वी में। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा झारखंड में। झारखंड व उड़ीसा राज्यों से कितने प्रतिशत लोहा प्राप्त किया जाता है? तो 75%। किस राज्य से देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान से। जवार खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए। अगला है, लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया? तो 1986 और 87 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्य पर आधारित है? तो 30 शेयरों के। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 12 अप्रैल 1988 में। अगला है, सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1992 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? तो 15 जुलाई 2010 में। डाक सामग्री, डाक टिकट, ज्यूडिशियल एवं नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, ब्रांड एनएससी, किसान विकास पत्र, पोस्टल आर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज, प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थापित है? तो नासिक रोड, महाराष्ट्र में जो है। 5, 10, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के बैंक नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद, जो मध्य प्रदेश में है। अगला है, सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित हैं? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो खंभात की खाड़ी, जो गुजरात में है, अंकलेश्वर जो गुजरात में है, बॉम्बे हाई जो महाराष्ट्र में है, मोरा, नाहर कटिया जो असम में है, नामटिक, नियाओपंग और कापटांग पंग जो अरुणाचल प्रदेश में, बारामूरा श्रेणी त्रिपुरा में है, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, फिरोजपुर जो पंजाब में है, मिदनापुर जो पश्चिम बंगाल में है, नौसर मुरादपुर जो जम्मू कश्मीर में, तंजावुर और चिंगलपेट जो तमिलनाडु में है।
अंकलेश्वर किस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा गुजरात का। गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? तो खंभात लूनित क्षेत्र। अगला है, कृष्णा गोदावरी के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की खोज किसके द्वारा की गई? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। आंध्र प्रदेश राज्य में किन क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है? तो रखा, लक्ष्मी और गौरी से। भारत की कुल ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस का योगदान कितना है? तो 9 से 10%। वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकता का कितने प्रतिशत पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है? तो 70%। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की? तो इसका आंसर होगा 11 जनवरी 2009 में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी आपने आइकन बेल को नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तो सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलते इसी तरह मिलते हैं अपनी जनरल नॉलेज की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।